हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा ऑफिशियल। और आज मैं डिनर में कुछ स्पेशल बना रही हूँ और जो इनका फेवरेट भी है। तो अगर आपको जानना है कि मैंने क्या बनाया है स्पेशल आज डिनर में, तो मेरा वीडियो इन तक जरूर देखना। इसको अच्छे से मैं दो तीन पानी से धो ली हूँ, क्योंकि बारिश का टाइम थोड़ा आलू बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, तो उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। और इसमें डाल देती हूँ पानी में, आलू रख देती हूँ, मैं बॉयल होता रहेगा तब तक मैं आटा लगाऊंगी। और ये मैंने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्च और ये लहसुन। ये धनिया मैं काट लेती हूँ बारीक बारीक। और ये लहसुन मिर्ची मैं ग्राइंड कर लूंगी दर दरा सा, ज्यादा नहीं पीसूंगी, कहीं दर दरा करना है इसे। और ये देखिए मैंने लहसुन मिर्ची को ग्राइंड कर लिया, सिर्फ दर दरा की हूँ मैं बस। और ये मेरे आलू बॉईल हो गए हैं, इसे निकाल देती हूँ मैं, निकाल के ठंडा करूंगी, उसके बाद छील लेती हूँ मैं। सारे आलू मैंने छील लिए हैं और ये देखिए थोड़े से हाथ मेरे लाल हो गए हैं। आलू थोड़े गरम गरम थे ना, सोची मैं जल्दी छील लूँ, इसीलिए हाथ थोड़े से लाल हो गए। और ये आलू को मैं हल्का हल्का तोड़ देती हूँ ऐसे, ताकि ठंडा हो जाए अच्छे से। और ये तेल मेरा गरम हो गया, इसमें डाल दूंगी मैं लहसुन मिर्च। मैं डाल दूंगी इसमें ये आलू जो मैं छील के रखा था। और ये मैंने आलू अच्छे से मिला लिया है मसालों में, इसमें मैं डाल दूंगी लास्ट में हरा धनिया। निकाल लेती हूँ थाली में, निकाल के ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद में बनाती हूँ। जब तक मैंने रखा था आलू बॉईल होने के लिए, तब तक मैंने अपना आटा गूंथ लिया था, ये देखिए। और आटा मैंने एकदम सॉफ्ट लगाया है, कड़क नहीं लगाई हूँ, अगर कड़क लगाएंगे तो ठीक से बनता नहीं है, तो मैंने आटा एकदम सॉफ्ट लगा लिया है। और पता नहीं क्यों अचानक से मेरा गला बैठ गया है। बाबू
और ये देखिए मैंने आज जिन्हें बनाया है आलू के पराठे, और तीन इनको दी हूँ, तीन मैं ली हूँ, तो ये है मेरे आलू के पराठे। देखिए कितने अच्छे बने हैं, और ये देखिए मेरे पराठे, और टमाटो के जैसे खाएंगे हम लोग। जब मैं पराठे बनाए थे तो गरम गरम इनको दी खाने के लिए, दो तीन खाए थे ये, तो वो भी मेरे साथ भी बैठ के खाएंगे। और मुझे आलू के पराठे के साथ ना दही ज़्यादा अच्छी लगती है, और मुझे टमाटो की जो थोड़ा कम जमता है, क्योंकि थोड़ा इतना नहीं अच्छा लगता मुझे, पर ठीक है थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है ना, तो इसलिए मुझे ये मना करती है, बोलेगी दही से नहीं खाना है तुमको, तुम भी आज टमाटो केचप से खाओगी, ये तो खा लेते हैं, दही रहेगा दही, टमाटो केचप रहेगा टमाटो केचप, इनको दोनों भी अच्छा लगता है मुझे, लेकिन ज़्यादा करके दही से अच्छा लगता है। तो आज थोड़ा सा गला बैठा लगा था मेरा, तो फिर ये मना कर दिया मुझे कि नहीं दही मत खाना, तो चलते हैं हम लोग खा लेते हैं। और आज बारिश हो रही है, मौसम इतना ठंडा हो गया है ना, तो ये मुझे बोलते हैं आलू के पराठे बनाना, तो इसलिए मैंने आज आलू के पराठे बनाए थे डिनर में। और ठंडे मौसम में ना आलू के पराठे खाने का अलग ही मजा है, आप भी ट्राई करना है ऐसे आलू के पराठे बना के खाना, बारिश के मौसम में ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, पर चटपटे होते हैं तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। हेलो, 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 कैसा बना, कैसा बना बाबू, मजा नहीं, मजा आलू के पराठे हम लोग ने खा लिए और बहुत टेस्टी बना था, पर तब मुझे चाहिए था दही, तो बिना दही के मुझे इतना मजा नहीं आता है, तो टमाटो के सबसे कम जम रहा था मुझे, पर आलू के पराठे बहुत अच्छे बने थे। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको ये आलू के पराठे की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।